हे गाइस, कैसे हो सभी लोग? होपफुली सभी लोग बढ़िया हो गए। तो जल्द दोबारा से आ चुके हैं लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल के एक न्यू वीडियो के साथ वापस। और गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली बोल रहा हूँ, शुभ नव वर्ष और शुभ दुर्गा पूजा। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम जाने वाले क्या बोलते हैं उसको, हेली को किल करने के लिए। और हेली को किल करेंगे और मेरा जो जॉम्बी रेड का जो जगह है उसको भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं जॉम्बी रेड करता हूँ। लेकिन जॉम्बी रेड तो मैं इस वाला वीडियो पे नहीं करूँगा, बस हेली को ही किल करूँगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ क्या गन लेके जाओ, तो मेरे पास तो अभी SMG का पूरा भरपूर है गन का। ठीक है, तो मैं सोचा कि चलो फार्म हाउस को लेके चले जाते हैं। फार्म हाउस तो मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, तो कुछ ख़त्म भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो इसी के कारण मैंने दो फार्म हाउस ले उठा लिया यहाँ पर। और एक मैं सोच रहा हूँ कि एक QZ भी मेरे पास रही है, क्योंकि मैं उससे अगर फार्म हाउस से अगर नहीं हो पाया तो मैं QZ को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ से कुछ एमोस वगैरह और गन्स वगैरह को मैं उठा लेता हूँ, और उसके बाद चलेंगे एवेंजर की बोल रहा हूँ मैं, हेली को किल करने के लिए, है ना। तो हेली को किल करने जाएंगे, तो यहाँ से कुछ बुलेट वगैरह मैंने बना के तो रखा था, लेकिन मुझे शायद लग रहा है कि SMG का शायद और भी शायद मुझे कुछ बुलेट्स की ज़रूरत पड़ने वाला है। तो देखते हैं, अगर इतने में शायद मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है हेली को किल करने में कितना ज़्यादा SMG का बुलेट लगेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो देखते मुझे लग रहा है इतने बुलेट पे नहीं होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से कुछ गन पाउडर उठा लेता हूँ और कुछ मेटल यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, आयरन को, तो अभी मैं कुछ बुलेट्स यहाँ से बना लेता हूँ SMG का, ताकि मुझे कुछ दिक्कत ना आए जब हेली को मैं किल करूँगा तब बीच में ना रोक जाए। ठीक है, क्योंकि हेली भी भाग जाता है वो, तो इसीलिए मैंने कुछ बुलेट्स को भी यहाँ पे बना लिया। तो बस इतना ही बुलेट्स जितना बना तो ठीक है, और उसके आगे मैं कुछ 5.1 का एमओ भी ले लूँगा और गन्स भी ले लूँगा एक दो, मतलब एक ही में हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं 5 का गन भी यूज़ करूँगा, ऐसे कुछ एक 5 का गन भी उठा लेता हूँ। तो ठीक है, अभी चलते हैं कुछ हेली को बुलाने के लिए, जाते हैं सीधे उस जगह पे, मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस, अभी तो फिलहाल मैं हेली को किल करने के लिए आ चुका हूँ जिस जगह पे मैंने वो क्या बोलते हैं लाउड स्पीकर लगाया था उस जगह पे। ठीक है, और यहाँ से कुछ हेली को बुलाने के लिए हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगा, 10,000 ऊंट की ज़रूरत पड़ेगा और 10,000 स्टोन चाहिए, और 2,000 आपके पास आयरन बार होगा तो इनाफ है। ठीक है, 2,000 आयरन बार चाहिए होगा। तो मैंने जॉम्बी रेड किया था तो ये वाला डैमेज हो गया, तो छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में रिपेयर कर देंगे। अभी फ़िलहाल जिस काम के लिए आए उसके लिए फोकस करते हैं और हेली को बुलाते हैं और हेली को किल करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले। और गाइस, अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना। तो ये देखो मेरा छोटा सा एक जगह है, और यहाँ से मैं जॉम्बी रेड वगैरह करता हूँ, और यहाँ से अभी फ़िलहाल तो हेली को बुला लेते हैं। चलो, हेली आ गया, देखो एकदम कोने से आ रहे हेली, और इसी जगह से आता है हेली। ठीक है, तो अभी बेस पे जाकर पोजीशन ले लेते हैं, जब वो आएगा तो किल करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है हेली को किल करना, और जो भी न्यू प्लेयर है ना, तो अभी इसको देख के आप लोग इजीली हेली को किल कर पाओगे। ठीक है, मैं भी पहले सोचता था कि हेली को किल करने में इतना ज़्यादा बुलेट्स लगेगा और हेली अगर मार देगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब बस ईजी है ये हेली को किल करना। ठीक है, तो अभी चलो घोड़े को लेके सीधे चलते बेस पे और पोजीशन होल्ड करते बेस में जाने के बाद। लेकिन ये घोड़े को भी दिक्कत आ रहा है, पता नहीं मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है इसी के कारण शायद हो रहा है ये सब। और अभी अगर बैकग्राउंड में गाइस अगर थोड़ा सा भी DJ का कोई आवाज़ आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, दुर्गा पूजा का टाइम है तो थोड़ा सा बॉक्स बज रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अभी चलते बेस में सीधा घोड़े को लेके, और हेली आने में तो टाइम है, जाके थोड़ा सा पोजीशन को होल्ड करेंगे। और पता नहीं ये वाला ग्लिच क्यों होता है मेरे साथ ही, या फिर आप लोगों के साथ भी होता है, एक बार कमेंट में अगर बोलना आप लोग। जो ये देखो जो वेजिटेशन वगैरह है ना, तो ये सब देखो थोड़ा सा कैसे ये हो रहा है, गायब हो जा रहा है, फिर से आ रहा है। ठीक है, ये वाला ग्लिच पता नहीं क्यों हो रहा है, तो शायद मेरा डिवाइस थोड़ा सा लो एंड है तो इसी के कारण शायद ये वाला हो रहा है। ठीक है, बाकी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी चलो पोजीशन को होल्ड करते सीधा।
सो अभी यहाँ से कुछ ऊपर चले जाते, और देखो मेरा पोजीशन देखो एकदम सही है, मतलब हेली को किल करने के लिए ये जगह एकदम सही है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो हेली को किल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ रेड डॉट वगैरह को लगा लेता हूँ मेरे फार्म हाउस में, क्योंकि रेड डॉट का बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है हेली को किल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ जो कि जो कुछ भी है तो यहाँ से उठा लेता हूँ और किल करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये आ रहा है हेली, बहुत इजी है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कितने बुलेट पे ये किल होता है। 43 का डैमेज पड़ा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको आने देते हैं, थोड़ा सा पास आएगा तो मैं इसको किल करूँगा, एकदम आराम से किल हो जाएगा। थोड़ा सा डैमेज पड़ा इसके ऊपर। चलो कोई ना, आराम से इसको किल करते हैं। या आके मेरे ऊपर थोड़ा सा बुलेट मारेगा तो अभी बस किल करो। देखो इजी, एकदम इजी, यहाँ पे एक बार छुपो, उसके बाद फिर से जैसे ये मुड़ जाए तभी उसको थोड़ा सा बुलेट्स मारो, हिट दो, और उसके बाद फिर से छुप जाओ। बहुत इजी है हेली को किल करने में, मतलब अगर टैंक को भी किल करने जाओ ना तो टैंक से भी ये बहुत ईजी है, टैंक से भी ईजी है हेली को। टैंक तो फिर भी मतलब बजूका मार देते हैं, एक दो बार नॉक हो जाते हैं, लेकिन हेली को किल करना बहुत इजी है, सबसे इजी है। देखो जो कि ये एवेंजर को किल करना सबसे ज़्यादा इजी है, और उसके बाद हो गया ऑपरेशन बेस में जॉम्बी रेड करना बहुत इजी है, और तीसरे पॉइंट पे ये हेली को किल करना बहुत इजी है। ठीक है, नहीं मुझे दूसरे नंबर पर इसका रखना चाहिए था, क्या बोलते हैं, हाँ ये हेली को ही दूसरे नंबर पर रखना चाहिए था, और तीसरे नंबर पे जॉम्बी रेड रखना चाहिए था, क्योंकि हाँ थोड़ा सा जॉम्बी को इजी को किल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी हेली तो बहुत इजी है। तो ठीक है, अभी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते और आप लोग एंजॉय करो। तो ऑलमोस्ट ये हेली किल होने को आया है, बस थोड़ा सा और बुलेट बस किल हो गया। तो अभी तो फिलहाल आप लोग देख लेना कितना सारा बुलेट्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, मैंने शायद कुछ बहुत सारे बुलेट्स बनाया था, ठीक है, तो मुझे भी याद नहीं है। तो अभी देखते हैं हेली के पास से क्या लूट वगैरह मिलता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करने के अलावा कुछ कर तो नहीं सकते, तो यहाँ पर कुछ थोड़ी देर वेट कर लेते और देखते जब तक ये आग बुझ जाता है
और क्या लूट देता देखते। लेकिन मुझे हेली से एक बार ही बस, जो बोलते ना क्या बोलते उसको, बजूका, हाँ बजूका मिला था। बाकी एक बार भी मुझे बजूका बजूका कुछ नहीं मिला था, बस एक ही बार बजूका मिला और वो भी मैंने टैंक को किल करने के लिए यूज़ कर दिया था बजूका से, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बजूका का बहुत सारा बुलेट्स हो गया था तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ कर लेते। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डांस वांस कर रहा हूँ क्योंकि उसके अलावा कुछ कर तो नहीं सकते, बस देख लेते कब ये बुझ जाता है, ठीक है। चलो ये आग बुझ चुका है, देखते क्या लूट मिला है। लेकिन लूट कहाँ पे है हेली का, ये रहा ये रहा। ओके देखो बहुत अच्छा खासा दो गन्स मिल गए, एक क्यूबी सेट और एक शॉर्ट गन मिला है और कुछ एमओ वगैरह, तो ये तो डेली का, ठीक है। चलो स्टील मिल गया हमें और कुछ सल्फर भी, सल्फर बोल रहा हूँ क्या बोलते उसको, हाँ छोड़ो जो भी बोलते हैं याद नहीं आ रहा अभी। तो अभी इन सारा सामान को मैं बेस पे जाके रख देता हूँ, देख लो एक बार इतना ही मुझे लूट मिला, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो को बस इतना ही रखते। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।